एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया के एग्रीकल्चर फ्यूचर में ग्रो करेगा तो इंडिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को भी फायदा मिलेगा। स्कॉट कुबोटा लिमिटेड उसमें से एक कंपनी है जिसको एग्रीकल्चर ग्रो होने के साथ साथ इसको जरूर फायदा मिलेगा। इसके पीछे का मेन कारण है कंपनी ट्रैक्टर सेल के मामले में काम करते हैं, तो इंडिया के अंदर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर के मामले में स्कॉट कुबोटा लिमिटेड काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड रेलवे डिविजन में भी काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि स्कॉट कुबोटा लिमिटेड के अंदर क्या क्या पॉजिटिव न्यूज उभर के आया है और क्या क्या नेगेटिव न्यूज है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसे आपको देखने के बाद ही इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश और होल्ड करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है वो गुड न्यूज एंड क्या क्या है बैड न्यूज। सबसे पहला जो पॉजिटिव न्यूज है स्कॉट लिमिटेड रिलेटेड वो है कंपनी का ग्रोथ। इंडियन जो डोमेस्टिक ट्रैक्टर वॉल्यूम है वो इंडस्ट्री 4.8% की दौड़ से ग्रो किया है, लेकिन जब स्कॉट लिमिटेड की बात आते हैं तो वो 12.9% दौड़ से ग्रो किया है, तो यानी कि जो मार्केट को है वो कंपनी ने बीट कर चुका है। जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जहां पे इंडस्ट्री यहाँ पे -1% में ग्रो किया है वहां पे स्कॉट लिमिटेड यहाँ पे 8.7% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है एक्सपोर्ट के मामले में। साथ ही साथ दूसरा सेगमेंट भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको ग्रोथ नजर आएगा। उसके बाद आप मार्केट शेयर की बात करते हैं तो डोमेस्टिक जो ट्रैक्टर के अंदर जो मार्केट शेयर है वो लास्ट ईयर कंपनी का कितना था 9%, वो बढ़ के कितना हो गया है 9.7%, यानी कि स्कॉट लिमिटेड इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है उसको धीरे धीरे कंपनी गेन कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। साथ ही साथ कंपनी के जो मैन पावर कॉस्ट है वो आप देख पा रहे हैं किस तरह से कंपनी यहाँ पे मैन पावर कॉस्ट को यहाँ पे रिड्यूस कर चुका है। उसके बाद जो गुड न्यूज आपको दिखाई देगा जो कंपनी का अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं तो वहां पे भी आपको मार्केट शेयर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए लास्ट क्वार्टर में कितना था 9.3% और वो बढ़ के कितना हो गया है 9.7%, तो ये बढ़ोतरी अच्छा है। उसके बाद और एक जो गुड न्यूज है स्कॉट लिमिटेड के बारे में वो है कंपनी के पास ऑर्डर बुक। रेलवे डिवीजन के अंदर जहां पे कंपनी एक मेजर रोल प्लेयर करता है वहां पे कंपनी के पास 900 करोड़ का ऑर्डर बुक मौजूद है, जो कंपनी आगे आने वाले एक साल के लिए सिक्योर दिखाई दे रहे हैं और कंपनी बहुत ज्यादा बुलिश है रेलवे डिवीजन को लेके। उसी के बाद आपका और एक जो गुड न्यूज आपको दिखाई देगा वो है कंपनी का जो रेटिंग है वो कंपनी धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे सुधारा है। जहां पे BBB- का रेटिंग हुआ करता था वो कंपनी यहाँ पे AA+ में लेके आ गया और साथ ही साथ ही कंपनी के पास जितना भी कर्जा था उसको पूरा चुका दिया है, तो कंपनी अभी नेट डेट फ्री है। तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रहे हैं। ये तो हो गया कुछ पॉजिटिव बातें स्कॉट लिमिटेड के बारे में, तो चलिए जानते हैं अभी क्या क्या नेगेटिव बातें हैं स्कॉट लिमिटेड के बारे में एक एक करके। लिमिटेड के ऊपर जो नेगेटिव न्यूज है वो सबसे पहले निकल के आया है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी का सेक्शन देखेंगे तो वहां पे जहां पे इंडस्ट्री यहां पे 1.4% की दौर से पीएनसी वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ दिखाया है वहां पे स्कॉट लिमिटेड 3.6% नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है। BHEL के वॉल्यूम की बात करें तो वहां पे इंडस्ट्री 6.9% वहां पे 45.1% का नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है, उसीलिए कंपैक्टर के अंदर भी आप देख पा रहे हैं। तो यहां पे जहां पे इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर 1.7% का ग्रोथ दिखाया है ओवरऑली, वहां पे स्कॉट लिमिटेड 14% का नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है। तो ये कुछ बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है स्कॉट लिमिटेड के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर सेगमेंट उतना ज्यादा मेजर प्लेयर नहीं है स्कॉट लिमिटेड के अंदर। उसी के साथ साथ दूसरा नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है कंपनी के ऊपर मार्जिन जो बहुत ज्यादा पिट चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी के पास ऊपर 13.5% का मार्जिन हुआ करता था, तो EBITDA मार्जिन अभी लेटेस्ट क्वार्टर में कितना हुआ 8.1% का। तो यहाँ पे 540 बेसिस पॉइंट से कंपनी का मार्जिन यहाँ पे गिर गया है, जिसका मेन कारण मैनेजमेंट यहाँ पे बता रहा है कि कमोडिटी का प्राइस और इन्फ्लेशन के कारण ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि मार्जिन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव कंपनी को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ और एक जो नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन आप देखेंगे कंपनी का, तो वो भी यहाँ पे गिरा है।
तो लेटेस्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं, जहां पे 10 हुआ करता था वो यहां पे 8.1 पे आ गया, तो यहां पे भी प्रॉब्लम है। तो साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर बिजनेस एक सीजनल बिजनेस है, तो ये सीजनली कामकाज करते हैं। जैसे कि मानसून आते हैं तो कंपनी का सेल यहाँ पे बढ़ जाता है और कंपनी का मार्जिन के अंदर भी सुधार बेसिकली देखने को मिल जाता है। उसके बाद और एक जो नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा पिटाई कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर वॉल्यूम देखेंगे तो 11.5% का डी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम के अंदर गिरावट, कंपनी का रेवेन्यू के अंदर गिरावट, और दूसरा जो सेगमेंट है अकेला रेलवे रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ गया है, बाकी हर जगह कंपनी को पिटाई देखने को मिल रहा है। इसीलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी है, तो उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। इसका पीछे का कारण ढूंढने जाएंगे तो सेम कारण ही आपको मिलेगा, और मैनेजमेंट के द्वारा यही बताया गया कि कंपनी का इन्फ्लेशन एंड कमोडिटी प्राइस के कारण कंपनी ये प्रेशर यहाँ पे फेस कर रहे हैं। कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करेगा तो इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। मैं इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।